सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 20 कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में हमने इसका इंट्रो दिया था आपको, एंड इसमें एक्सरसाइज 28B की थी लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इसमें एक्सरसाइज 28B एंड इसका कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, क्या बोलता है इसका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम इंट्रो की बात करते हैं। देखो, अर्थमेटिक मीन के बाद जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी में आती है मीडियन आता है। अब मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका बेसिक हमने 10th में भी देखा था कि मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी रो डेटा है तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, आफ्टर अरेंजिंग असेंडिंग एंड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें क्या फाइंड करना होता है, वी हैव टू कैलकुलेट मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखो हम इसके सेपरेट, मतलब अगर हमारे पास क्या है, सिंपल रो डेटा है, तो उसके लिए हम टू फॉर्मूला ले सकते हैं, इवन के लिए अलग, ओड के लिए अलग। लेकिन इसने वन एंड ओनली वन फॉर्मूला बताया कि आप हमेशा लीजिए क्या, एन प्लस वन अपॉन टू। लेकिन देखो, अगर आप एन प्लस वन अपॉन टू लोगे और रो डेटा की बात कर रहा होगा, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। कब, किस टाइम आपको प्रॉब्लम मिलेगी देखने को, जब हमारे पास ओड एंड ईवन वाला केस होगा। इसने ओड एंड ईवन वाले केस के लिए एक ही फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप अलग अलग फॉर्मूला भी, डिफरेंट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं दोनों के लिए। मीन्स कि अगर हमारे पास रो डेटा है, ऐड कर लेते हैं ये 50, 53, 61, 49, 45, एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं हम इसको, 63, 48, ये हमारे पास कुछ रो डेटा है। और आपको अगर इसका मीडियन स्कोर फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, हाउ मैनी ऑब्जर्वेशन आर देयर। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 ऑब्जर्वेशन टोटल। देन वॉट विल बी डू हेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 ऑब्जर्वेशन मीन्स एन इज इक्वल्स टू 7। इफ एन इज ओड देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर मीडियन, एम इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एन 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 8 डिवाइड बाई 2 मीन्स फोर्थ टर्म। देखो ये जो फॉर्मूला होता है, ये मीडियन नहीं होता, ये जो टर्म होता है ना इस नंबर पर आने वाला, टीथ टर्म, ये हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। इसमें फोर्थ टर्म आ रहा है, तो फोर्थ टर्म इसका मीडियन होगा, मीन्स 1, 2, 3, 4। देखो फोर्थ टर्म इसकी मिडिल वैल्यू होगी। आप चेक कर सकते हो थ्री वैल्यूज इधर है। सिंपल, ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, सिंपल क्या कहता है कि आपको मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है, और मिडिल वैल्यू अगर ये है हमारी, और इधर सेम क्वांटिटीज है हमारे पास, इधर भी सेम क्वांटिटीज है, बस तो मिडिल वैल्यू होगी। लेकिन अगर इसमें देखो इसमें हमने कुछ मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक किया आप बताइए, आपने नोटिस किया हो तो। हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज नहीं किया, तो सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। आप असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ हम मीडियन ही फाइंड नहीं करेंगे, अदर देन मीडियन हम इसमें क्वार्टाइल, इंटरक्वार्टाइल, ये सभी, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सभी फाइंड करेंगे। तो इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में करोगे आप अरेंज इसको, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, देन हमें क्या मिलता, देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर 45, देन 49 या फिर 48, 48 भी है हमारे पास, 48 आफ्टर 48, 49, 49 एंड 50 एंड यहाँ पर 53, ओके 61 एंड यहाँ पर ये 68, इस टाइप से होता। तो मिडिल टर्म हमारा क्या होता, 50, तो इसका मीडियन 50 होता। सिंपल, तो ये हमारे पास बेसिक होता है इसका, ये होती है इसकी मिडिल वैल्यू कितनी, 50। तो सिंपल इसका मीडियन 50 हो जाता है। लेकिन इफ एन इज इवन, अगर एन इवन हो जाए, मीन्स एन इवन हो जाए, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन हम ऐड कर लेते हैं, 45, 48, 49, 50, 53, 61, 68 एंड एक हम अपने से ऑब्जर्वेशन ऐड कर लेते हैं 70। अब ये ऑब्जर्वेशन हो गई है टोटल 8, और अगर एन की वैल्यू इवन है, या तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लो क्या, एन अपॉन टू एथ टर्म, एन अपॉन टू प्लस वन टर्म, सॉरी एन अपॉन टू एथ टर्म, एक तो ये होगा इसमें, प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टर्म, वन अलग से है, समझ रहे हो आप, इसके साथ टू के साथ एलसीएम में नहीं है, ठीक है, टू डिवाइड में नहीं है टोटल वैल्यू के, इन दोनों टर्म्स का एवरेज। तो यहाँ पर हम टू टर्म्स का एवरेज फाइंड करते हैं कैसे, ध्यान से देखो, अगर हम इसमें मिडिल वैल्यू 50 को ले लें, तो हम 50 को मिडिल वैल्यू नहीं कह सकते, क्योंकि इधर 3 क्वांटिटीज है, इधर 4। तो फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं, उससे नेक्स्ट वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाली जो क्वांटिटी है,
उन दोनों क्वांटिटी का हम क्या लेते हैं एवरेज। जैसे यहाँ पर कह रहा है n अपॉन टू एच टर्म, मीन्स अगर ये टोटल 8 है, 8 अपॉन टू फोर्थ टर्म एंड 8 अपॉन टू 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म, इसलिए हम फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म का एवरेज लेते हैं। यही इसने डायरेक्ट फॉर्मूला में भी कहा है कि ये कह रहा है कि आप यही फॉर्मूला यूज़ करिए n प्लस 1 अपॉन टू, मीन्स अगर 8 आ रहा है हमारा, 8 प्लस 1 अपॉन टू मीन्स 9 अपॉन टू, 9 अपॉन टू मीन्स 4.5, समझ रहे हो आप, 4.5 आ रहा है, देन 4.5th टर्म जो आएगा हमारा वो यहाँ पर लाई करेगा, 4.5th टर्म, ये 4.5 यहाँ पर लाई करेगा। तो अगर ये 4.5 यहाँ पर लाई करेगा, देन आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि आपको यहाँ पर इनके मिड में तो कोई टर्म मिल नहीं रहा, इनके जो बाउंड्रीज वाले टर्म्स हैं, इनके एडजेसेंट टर्म्स हैं, उन दोनों का एवरेज फाइंड करना होता है। तो बस यही फॉर्मूला है इसमें, आप ये सिंगल फॉर्मूला लर्न रख सकते हो, और कभी भी वैल्यू पॉइंट में आती है, पॉइंट में कोई टर्म आएगा ही नहीं, और अगर पॉइंट में कोई भी टर्म आ रहा है तो उसके एडजेसेंट वाले टर्म्स का आप एवरेज लोगे। समझ गए, बस ये इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अगर हमारे पास ये सिंपल रो डेटा है, रो डेटा के लिए जो मीडियन हम कुछ इस टाइप से फाइंड करते हैं, एंड और फिर इसमें अगर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर ये अनग्रुप डेटा ही दे देता है। जैसे यहाँ पर अनग्रुप डेटा गिवन क्या, टू सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास टू सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक्स एंड फिजिक्स, इसके लिए रो डेटा अलग है, यहाँ पर फिजिक्स के लिए है। आपको अगर क्या कर रहा है कि इंडिकेट इन विच सब्जेक्ट द लेवल ऑफ द अचीवमेंट इज हायर, तो आपको मीडियन फाइंड करना है, जिसका मीडियन क्या होगा, हायर होगा, वही क्या होगा हमारा, हाई लेवल होगा, मीन्स अचीवमेंट उसका हायर होगा। मीडियन फाइंड करने के लिए भाई वही, पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के बाद वैसे ही करना है सेम जैसे हमने किया है इसमें फर्स्ट पार्ट में। ओके, जैसे यहाँ पर इसने फाइंड किया कि इसका जो मीडियन स्कोर आ रहा है वो 47 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, फिजिक्स के लिए 42 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा। लेकिन अनग्रुप डेटा मीन्स जहाँ पर हमारे क्लास इंटरवल नहीं होते, सिंपल इस टाइप का कुछ डेटा गिवन किया होता है और आपको उसको क्या फाइंड करना होता है, उसका मीडियन फाइंड करना होता है। जैसे हम इस वाले को ना देखते हुए इस वाले टेबल से अगर हम इसको समझें तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। जैसे इसमें हम टेबल ले लेते हैं, ये हमारे पास क्लास मार्क है इसका, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क का मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी होता है कि भाई इसकी एक्चुअल क्वांटिटी है, एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर ये एक्स, यहाँ पर ये एफ, एक्स की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पर 5, 6, 10, 9, 4 एंड 7, और यहाँ पर 6, 4, 5, 8, 9, 6 एंड 4। ओके, 8, 5, 6, 8, 5, 6, 10, 9, 4, 7 एंड यहाँ पर क्या 6, 4, 5, 8, 9, 6 एंड 4। देखो ये मीडियन हमने क्लास 10th में भी किया है, इसलिए आपको इतना टफ भी नहीं लगेगा इसमें। अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, CF फाइंड करते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग आप इसको कंबाइन कर देते हो, 6 प्लस 4 कितना होगा 10, 10 प्लस 5 कितना होगा 15, 15 प्लस 8 कितना होगा, ये होगा 23 प्लस 9 ये होगा हमारे पास 9 प्लस 3 12 1 और ये 32 प्लस 6 ये होगा 38 एंड 4 ऐड कर देंगे हम इसमें कितना होगा, ये होगा 42 आ रहा है, ये आ गई n की वैल्यू 42। n की वैल्यू 42 होती है तो मीडियन हमारा कैसे फाइंड करते हैं, n अपॉन 2th टर्म डायरेक्ट, बस ये कर लो आप, या n अपॉन 2 प्लस 1 भी कर सकते हो, n अपॉन 2 प्लस 1 भी कर सकते हो आप, n प्लस 1 अपॉन 2 सॉरी 42 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म करोगे अगर आप तो 43 अपॉन 2 होगा, तो 43 अपॉन 2 होगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं कितना होगा ये 43 अपॉन 2 को 21.5th टर्म वो इन दोनों के बिटवीन लाई करेगा, मीन्स इस वाली रो में वो आएगा। क्यों? क्योंकि 15th के बाद जो टर्म होंगे वो 16, 17, 18 वो सभी टर्म्स क्या होंगे इसमें लाई करेंगे, और वो सभी टर्म्स होंगे 10। इस बात को समझो आप अच्छे से कि वो 10 क्यों आ रहा है। देखो मीनिंग कुछ ये कहता है कि भाई 8 है 6 टाइम्स लिखा हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हो कि 8 को कितने टाइम्स लिखा गया है यहाँ पर 6 टाइम्स, फिर 5। वैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तभी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वैल्यू है 8, 5, पहले 8 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है। इसकी वजह से अगर आपने इसको ऐसे किया तो भी प्रॉब्लम आएगी मीडियन फाइंड करने में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज पहले से अरेंज नहीं है,
अरेंज होनी चाहिए थी या फिर नहीं है तो आपको अरेंज करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हमने इसको ऐसे किया तो ये गलत होगा, बिल्कुल इनकरेक्ट होगा ये। पहले हमें इसको करना होता करेक्ट ऑर्डर में अरेंज। करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक्स, ये एफ, यहाँ पर ये एट नहीं होता। सबसे पहले फोर वाली वैल्यू होती, फोर की फ्रीक्वेंसी क्या है सिक्स, इसके बाद फोर के बाद फाइव, फाइव की फ्रीक्वेंसी क्या है फोर, फिर फाइव के बाद क्या है सिक्स, फाइव के बाद क्या है सिक्स, सिक्स की फ्रीक्वेंसी फाइव, फिर सिक्स के बाद क्या है सेवन, और सेवन की फ्रीक्वेंसी क्या है फोर, सेवन के बाद फ्रीक्वेंसी क्या है एट, सेवन के बाद एट, एट की फ्रीक्वेंसी है सिक्स, एट के बाद नाइन, नाइन की फ्रीक्वेंसी है नाइन, एंड टेन, एंड टेन की फ्रीक्वेंसी है एट। अब आपको इसमें सी एफ फाइंड करना होता, अब हम इसमें सी एफ फाइंड करते तब ये क्वेश्चन होता। तो ये सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, प्लस फोर नाइनटीन, प्लस सिक्स ट्वेंटी फाइव, प्लस नाइन थर्टी फोर, थर्टी फोर प्लस एट फोर्टी टू, ये होता हमारे पास थर्टी एट प्लस फोर फोर्टी टू, ये फोर्टी टू हो गया। देन आप वही करते ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव कर लो, या फिर एन अपॉइंट टू करते हैं हम मीडियन के लिए, एन अपॉइंट टू एक्स टर्म। तो यहाँ पर फोर्टी टू अपॉइंट टू होगा ट्वेंटी वन टर्म, ट्वेंटी वन टर्म देखो नाइनटीन के बाद आएगा हमारा, तो ये वाली जो रो होगी इसी में हमें मीडियन मिलेगी एट। तो इसका आंसर कितना आता, एट आता सिंपल। ओके, इसका आंसर होता हमारा एट। इस टाइप से मीडियन फाइंड करते हैं हम इसमें, तो ये होता हमारा करेक्ट मीडियन, समझे। ये हो गया हमारा सिंपल मीडियन यहाँ पर। अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या, या तो वही फॉर्मूला यूज़ करो भाई, एन एफ एन प्लस वन अपॉइंट टू, तो हमारा कितना आता ट्वेंटी वन पॉइंट, ट्वेंटी वन पॉइंट फिफ्थ जो टर्म होता, ट्वेंटी वन पॉइंट फिफ्थ टर्म के जो क्या होते हैं हमारे नियर बाई टर्म्स होते हैं वो भी दोनों एट होते हैं भाई। अगर हम ट्वेंटी वन पॉइंट फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं, इसका मीन्स इससे पहले वाला जो ट्वेंटी टर्म है, तो सॉरी ट्वेंटी वन टर्म है, उसके बाद वाला जो ट्वेंटी टू टर्म है, वो दोनों ही टर्म्स क्या है एट होंगे। तो दोनों ही टर्म्स एट होंगे, क्योंकि नाइनटीन तक तो सेवन ही रिपीट कर रहा है भाई, सेवन नाइनटीन पर आएगा एटीन, नाइनटीन पर आएगा ट्वेंटी, पर आएगा एट ट्वेंटी वन पर, एट ट्वेंटी फाइव तक एट ही आएगा, और हमें चाहिए ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू टर्म, समझ रहे हो आप। ट्वेंटी वन भी एट टर्म है और ये जो ट्वेंटी टू है वो भी एट टर्म है, तो एट प्लस एट डिवाइड बाई टू करते तो एट इसका आंसर होता। ओके, तो ये हो गया हमारा इसमें सिंपल क्वेश्चन नंबर, इसका मीन्स एग्जाम्पल हो गया। तो कुछ इस टाइप से हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं सिंपली। लेकिन अगर यही बात हमारी क्या जाती है, ग्रुप फ्रिक्वेंसी के लिए जाती है, तब हम क्या करते हैं। तो अगर ये ग्रुप फ्रिक्वेंसी के लिए आ जाए, मीन्स इस तरीके से ग्रुप बने हुए हैं, मीन्स क्लास इंटरवल है, तब इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई पहले हम क्या करेंगे, अगर ये कंटिन्यूस नहीं है क्लास इंटरवल, अगर हमारा इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो पहले अगर इसको कंटिन्यूस करना है, जैसे फाइव से फोर्टीन आ रहा है, तो यहाँ पर फोर्टीन से ही स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पर फिफ्टीन से स्टार्ट हो रहा है, गैप आ रहा है, गैप नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट फाइव माइनस करते हैं और पॉइंट फाइव प्लस करते हैं अपर लिमिट में। तो फिर ये इनको अरेंज करके हम इस टाइप से टेबल बनाते हैं, और टेबल ड्रॉ करने के बाद आप इसमें मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन के लिए स्पेशल फॉर्मूला है एल प्लस आई अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी। ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं। देखो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कुछ किस टाइप से होगा ये, यहाँ पर आप टेबल देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने इसकी फ्रिक्वेंसीज ली, और यहाँ पर क्या है सी एफ, सी एफ फाइंड करना आता ही हमें, कि फर्स्ट वाले टर्म सेम, फिर नेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी में क्या कर देंगे, इसको ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे एंड सोन, इस टाइप से करते हैं ना। अब हम इसमें क्या करेंगे सिंपली, अब हम इसमें क्या करेंगे फाइंड, इसमें फाइंड करेंगे मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए देखो, अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा फॉर्मूला, मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस आई अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी, इस टाइप से बोल सकते हैं। अब देखो एल क्या है, एल लोअर लिमिट है, और लोअर लिमिट किसकी, जो आप एन अपॉन टू फाइंड करोगे ना उसकी लोअर लिमिट। एन एन की वैल्यू अगर यहाँ पर देखो कितनी आएगी, टोटल फिफ्टी फिफ्टीन फोर्टी, मीन्स वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी, डिवाइड बाय टू करोगे कितना आएगा, ये मिलेगा आपको टू सेवन या फोर्टीन, टू सेवन या फोर्टीन सेवन सेवेंटी। ये जो सेवन सेवेंटी है वो लाई कहाँ कर रहा है, देखो सेवन फोर्टी सेवन फिफ्टी फोर के आफ्टर और वन जीरो थ्री थ्री के बिटवीन, ठीक है, ये इसमें लाई करेगा सेवन फिफ्टी फोर के आफ्टर, सेवन फिफ्टी फिफ्टी फोर के आफ्टर जो वैल्यू हमारी जो क्लास इंटरवल है वो ये है, और उसकी जो लोअर लिमिट है वो लेनी होती है हमें एल। इसका मीन्स इसमें ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव क्या लेंगे इसमें एल, बात समझ में आई। ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव क्यों लिया है हमने, तो हमें लोअर लिमिट कौन सी देखनी होती है,
जिसमें एन अपॉइंट टू वाली वैल्यू लाई करती है, एन अपॉइंट टू वाली वैल्यू 770 लाई कर रही थी हमारी, 770 नेक्स्ट वाली रो में लाई करेगी, और नेक्स्ट वाली रो के जो लोअर लिमिट होगी वही हमें लोअर लिमिट लेनी है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है। और आई क्लास साइज, क्लास साइज आप यहाँ से चेक कर लो, दोनों को माइनस करो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो बस यहाँ पर क्लास साइज 10, फ्रीक्वेंसी कितनी, फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी देखो यही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 279, किसी के किसी रो में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 279 आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है, 279। एन अपॉइंट टू हमारा 770 आया है अभी हमने फाइंड किया, माइनस सी की वैल्यू क्या लेनी है, सी क्या लेना होता है हमें, ये लेना होता है हमें, देखो सी एफ भी बोल सकते हैं, और ये लेना होता है हमें इससे पहले वाली वैल्यू 754, ये इससे हमें पहले वाली वैल्यू लेट करनी होती है 754, ये करना होता है। बस इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लो, इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 24.5 प्लस यहाँ आएगा 10 डिवाइड बाई 279 एंड मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 6 एंड 26, ये हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। ओके, ये करना होगा हमें क्या, ग्रुप फ्रिक्वेंसी के लिए। अभी जो ब्लो वाला सीन आ जाता है तो ब्लो वाले में पहले से सी एफ कर देता है वो, तो हमें इसकी सिंपल वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। ये भी हमने एक्सप्लेन किया था आपको क्लास टेंथ में कि कैसे हम सी बिलो वाले केस में या फिर अपर वाले केस में क्या करते हैं, सी एफ तो हमें गिवन होता है और हम इसे फाइंड करते हैं सिंपल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो। ओके, जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ पर देखो 15.6 आ रहा है, अगर 15.6 आ रहा है इसमें, 15.6 का हाफ करेंगे 7.8 लाई करेगा हमारा 5 से 9 के, तो 9 वाली जो रो है इसमें हम लोअर लिमिट लेंगे 20, इसी की फ्रीक्वेंसी लेंगे 4। ओके, इसी की फ्रीक्वेंसी 4, लोअर लिमिट 20, आई क्लास साइज 10 है तो 10, एन अपॉन टू 7.8 माइनस सी की वैल्यू, फिर हम इसमें क्या ले रहे हैं 5 लेंगे, सिंपल इसे सोल्व कर देंगे। तो कुछ इसी टाइप से हमें क्या करना है इसमें, मीडियन फाइंड करना है। नाउ अब इसमें देखेंगे हम, देखो इसमें और भी बातें बताई गई है हमें, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स है, जैसे क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल, वैसे इसमें क्वार्टाइल वाला ही केस आ रहा है, डेसाइल परसेंटाइल हटा दिया गया है सिलेबस में से, तो आपको करना है अगर डेसाइल तो आप कर सकते हो, सिंपल है। देखो क्वार्टाइल जैसे हमारा क्या होता है, 1/3 पार्ट होता है, 1/4 पार्ट सॉरी, डेसाइल ऐसे ही 1/10 पार्ट होता है, परसेंटाइल ऐसे ही 1/100 पार्ट होता है किसी भी वैल्यू का, किसी भी एन, किसी भी ऑब्जर्वेशन का। ओके, तो जैसे हम क्या कर रहे हैं भाई, लोअर क्वार्टाइल हमने टेंथ में भी किया है, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल, तो ये सिंपल है, ये 25th पार्ट होता है, 1/4 पार्ट होता है। Q3 अपर क्वार्टाइल क्या होता है, 75th पार्ट मीन्स 3/4 पार्ट होता है, एंड फर्स्ट डेसाइल 10% मीन्स 1/10 होता है, और परसेंटाइल 1/100 होता है, एन परसेंटाइल बोले तो एन परसेंट होता है। ओके, जितना ही बोलता है। इंटर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ये सभी हमें पता है। अब यहाँ पर कुछ देखो फॉर्मूलाज बताए गए हैं कि अगर आप अनग्रुप के लिए क्या फाइंड कर रहे हो, अनग्रुप टेबल के लिए आप Q1 मीन्स लोअर क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हो, तो क्या करोगे, एन प्लस 1/4 मीन्स 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 पार्ट, और इसी में अगर हमें Q3 करना है तो 3/4 पार्ट, एन प्लस 1 का 3/4 पार्ट। ओके, यहाँ पर अगर हमारे पास ग्रुप फ्रिक्वेंसी है मीन्स क्लास इंटरवल वाली टेबल है, तो उसमें हम एन अपॉन फोर्थ करेंगे, यहाँ पर एन अपॉन टू कर रहे थे हम फॉर्मूला में, और Q3 मीन्स अपर क्वार्टाइल के लिए हम 3/4 करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 एन अपॉन 4 करेंगे, समझ रहे हो आप। D1 फर्स्ट डेसाइल के लिए 1/10 करेंगे, 1/10 जैसे n/4 है मीन्स n प्लस 1/4, ऐसे यहाँ पर n/10 है, और यहाँ पर भी हम n/10 लेंगे, समझ रहे हो आप, जैसे यहाँ पर n प्लस 1 है। ऐसे ही D7 अगर हमें फाइंड करना, तो 1/10 का 7th पार्ट, तो 7/10, समझ गए, यहाँ पर 7/10 करना है, यहाँ पर 7/10 करना है। ऐसे P1 के लिए 1/100 करना है फर्स्ट परसेंटाइल, तो यहाँ पर हम n/100 कर देंगे। इसका आप 47 बोले, 48 बोले, तो 48/100, 47/100, इस टाइप से हम इसको करते हैं। जैसे इसको एक सोल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, ये रो डेटा है। अब इस रो डेटा में अगर आपको मीडियन फाइंड करनी है, तो पहले से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। अगर ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो सिंपल एन प्लस 1/2 मीन्स 12/2 मीन्स 6 टर्म होगा इसका क्या, मीडियन। लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है तो क्या होता है, 1/4 पार्ट मीन्स एन प्लस 1/4 पार्ट, 11+1/4, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 12/4 मीन्स 3rd,
इसमें थर्ड टर्म कौन सा है, 5, तो 5 इसका क्या होगा, लोअर क्वार्टाइल होगा। अपर क्वार्टाइल के लिए n, 3n प्लस 1 अपॉन 4, 3 टाइम्स ऑफ 11 प्लस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा 9, तो ये 9 होगा हमारा, तो 9th टर्म क्या है हमारा, 19, तो इस टाइप से। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कि भाई ये परफेक्टली डिवाइड हो जाए, कभी कभी ये पॉइंट में भी आ जाती है वैल्यू, जैसे यहाँ पर आ रही है, देखो यहाँ पर आ रही है वैल्यू 5.5, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 5.5 आ रही, तो इसका भी एवरेज ले लेंगे हम, 5.5 टर्म जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 5.5 यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, 22 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 48, और डिवाइड बाय 2 करेंगे 24, यहाँ पर 24 मिलेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसमें Q1 फाइंड करते हैं, तो Q1 फाइंड करने के लिए 1/4 करते हैं n plus 1 upon 4, तो कितना आ रहा है n plus 1 upon 4, 10 plus 1 upon 4, 2.75। इस केस में देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ऐसा केस बन जाए जिसमें हमें क्या आ रही है वैल्यू, पॉइंट में आ रही है, एन अपॉन टू मीन्स एन अपॉन वन प्लस फोर मीन्स 10 plus 1 upon 4 मीन्स 11 upon 4 मीन्स 4 2 8, 3 carry 4 7 5 2.75 टर्म। अब 2.75 टर्म तो हमारा होगा नहीं, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करते हैं, टू जो सेकंड टर्म है उस टर्म को अलग प्लस 0.75 के साथ ये थर्ड टर्म में लाई करेगा हमारा, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर देंगे, ये करते हैं। देखो इसके लिए हमने क्या किया, सेकंड टर्म देखो आप इसमें कितना आ रहा है, सेकंड टर्म लिया हमने 12, ओके सेकंड टर्म आ रहा है हमारा 12 एंड ये 0.75। थर्ड टर्म देखो फिर इसमें, देखो सेकंड टर्म हमारा 12 आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है 14, यहाँ पर 14 माइनस क्या कर देंगे, 14 माइनस 12 करेंगे, तो यहाँ पर 12 प्लस 0.75 और यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आ जाएगा 1.5 और 1.5 से करेंगे तो 13.5, इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी, 13.5 मिलेगी। कुछ इस टाइप से हम करते हैं ऐसे ही, अगर ये अपर क्वार्टाइल कर रहा है और अपर क्वार्टाइल भी हमारा किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, अपर क्वार्टाइल क्या होगा, 3/4 पार्ट ऑफ एन प्लस वन, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, एन ये वाली जो वैल्यू अगर हमारी 2.37 आ रही, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, या फिर 3 × 10 + 1/4 कर लो, 11 33/4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 7 28 और 8 32 32 1 carry 4 2 8 4 5 8.25, तो इसमें क्या करेंगे हम, 8th टर्म प्लस 0.25 और 8 से नेक्स्ट टर्म हमारा होगा 9th टर्म माइनस 8th टर्म कर लेंगे। 8th टर्म अगर हमारा देखें कितना आ रहा है, 1 8th टर्म कितना आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहा है 32, 8th टर्म आ रहा है हमारा 32, 8th टर्म 32 प्लस 0.25, तो 8th टर्म हो गया हमारा 32, 9th टर्म होगा हमारा 35 माइनस 32 कर लेंगे इसको, यहाँ पर 32 प्लस 0.25 एंड इन दोनों को माइनस कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 32 एंड ये कितना हो जाएगा, 0.75 इसको ऐड कर लो, 32.75 इसका क्या हो जाएगा, ये अपर क्वार्टाइल हो जाएगा Q3। ये कुछ इस टाइप से करना है, तो अगर डेसिमल वैल्यू आ जाती है तो कुछ इस टाइप से करोगे आप इसमें अपर क्वार्टाइल में। फिर अगर ये 8 डेसाइल बोल रहा है तो 8/10 पार्ट कर लो, 8/10 8.8 आ रहा है, तो वही 8.8 के साथ ही वही करेंगे, 8th टर्म और 8 से आगे वाला 9th माइनस 8th टर्म के साथ इसको सॉल्व कर ले। 61 परसेंटाइल फाइंड करना, तो 61/100 वाला रिलेशन यूज़ करेंगे हम, 61/100 और यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, वही सिंप्लीफाई करेंगे, 66.71 आ रहा है, तो 6.71 के लिए फिर वही 6th टर्म प्लस 0.71 7th माइनस 6th टर्म, ये सभी इसमें मिलेगा आपको, ओके। तो ये हो गया हमारे पास, देखो ये टेबल है जहाँ पर इसने बताया कि हम कैसे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल इसी के बेसिस पर हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी इसमें बताए गए हैं, और यहाँ पर भी देखो वही सब चीज़ें आपको फाइंड करनी है कि आपको क्या करना है, भाई Q1 फाइंड करना था n अपॉन 4 करेंगे, Q3 फाइंड करना है n अपॉन Q3 फाइंड करना, तो 3n/4 करेंगे Q3 के लिए, बस आप जहाँ पर n/2 था वहाँ 3n/4 हो गया, D7 करना तो 7n/10 हो गया, सिंपल वही है सभी केसेस में, 7/10 हो गया, P60 है तो 60n/100 हो गया, समझ रहे हो आप,
परसेंटाइल वाले में 100th पार्ट होता है 1/100, डेसाइल वाले में 1/10th पार्ट होता है एंड सो ऑन। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर D6, T20 एंड O3 है, O3 है इसमें। O3 का मीन्स क्या होगा, 1/8 पार्ट, दिस मीन्स 20/60, ठीक है, 80% स्टूडेंट। तो यहाँ पर O3 का मीनिंग क्या है, जैसे परसेंटाइल में 1/100 ऐसे O में क्या हो गया हमारा, इसमें क्या होगा 1/8 पार्ट। Q3 के लिए हम क्या, O3 के लिए क्या करेंगे, 3/8 पार्ट, 3/8 पार्ट कर लेंगे सिंपल। तो कुछ इसी टाइप के इसके क्वेश्चंस भी हैं हमारे, जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, तो आप कर ही सकते हो। मीडियन फाइंड करना है, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी क्वेश्चन लो, आप उसका मीडियन फाइंड करने के लिए पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद देन आपको उसमें बताना है कि भी क्या मीडियन होने वाला है उसका, कैसे। आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, 28B। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो फोर्थ ले लेते हैं, तो ये क्या है, 13 है, 22, 13, 22, 25। लेकिन सबसे पहले इनिशियली हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू देखो इसमें क्या है, 8 के बाद क्या है, 10, 8 के बाद क्या है, 10, 10 के बाद क्या होगा यहाँ पर, 11, 10 के बाद क्या होगा, 11, 8, 10, 11, एंड 11 के बाद 13, 13 के बाद आफ्टर 13, 16, 16 के आफ्टर क्या होगा यहाँ पर, 17, 17 के आफ्टर 18 नहीं है, 19, 19 के बाद 20 नहीं है, 22 के आफ्टर 25 के आफ्टर यहाँ पर कितना हो रहा, 31, 10 ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे पास। नाउ अब हम इसमें फाइंड करना है अगर मीडियन, तो सिंपल देखो 10 ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, इन दोनों का क्या कर लो, एवरेज फाइंड कर लो। क्योंकि देखो अगर आप 10/2 करोगे, मीन्स 10+1/2 करोगे, तो 11/2 मीन्स 5.5 टर्म, तो 5.5 टर्म हमारा यहाँ पर लाई करेगा। हम क्या करते हैं, इनके एडिशन वाले जो टर्म्स होते हैं उन दोनों का एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पर 16, 17 कितना आएगा, जाएगा 33/2, और ये जाएगा 2, 1 2, 2, 6 12 एंड 5, 16.5। ओके, ये हो जाएगा इसमें मीडियन इसका। तो सिंपल इस टाइप से मीडियन फाइंड करते हैं, ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें सेकंड वाला पार्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। देखो जैसे हमने एक इवन के लिए कर रहे हैं, या तो इवन के लिए आप जैसा भी किया हमने, जैसे बुक में बताया वैसे कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला डायरेक्ट दूसरा भी ले सकते हैं, n/2 2h टर्म + n/2 + 1th टर्म / 2 डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। फिर जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इसका मीडियन फाइंड करना है। If 58 is replaced by 85, what will be the new median? क्या new median change होगा अगर हम 58 को replace कर दें? देखो इसमें कम chances होते हैं कि भाई किसी value को change करने पर median हमारा change हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर value जो होती है depend करती है, median वाली value वो depend करती है उसके mid value पर। और यहाँ पर देखो अगर हम इसको ascending order में descending order में arrange करते हैं, तो क्या मिलता है हमारे पास है, 41, 43, 127, 99, 61, 92, 71, 58 and 57। ये हमारे पास 41, 43, 127, 99, 61, 92, 71, 58 and 57 भी है लास्ट में। कितने हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है हमारे पास टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑब्जर्वेशन हो गई है हमारे पास। देन हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जैसे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में 41, देन 43, 53, 57, 58 के बाद 59 नहीं है, 61 के बाद आपको क्या मिलेगा, 71, 71 के आफ्टर आपको मिलेगा 92, 99,
एंड ये 127, ये टोटल 9 ऑब्जर्वेशन होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन। और अगर हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला है, n+1/2h टर्म। ओके, यहाँ पर हमारे पास 9+1/2h टर्म कितना मिलेगा, 10/2 5th टर्म। 5th टर्म क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये होगा 5th टर्म। तो 5th टर्म मीन्स इसका 61 मीडियन होगा, 61 मीडियन होगा अगर इसका। और ये कह रहा है कि अगर हम 58 को रिप्लेस करें किससे, 58 इज रिप्लेस्ड बाय 85, देन इसके मीडियन पे कुछ चेंज आएगा, 58 के प्लेस पर आपको 85 रखना है। तो देखो अगर हम यहाँ पर 85 रख लेते हैं तो देन क्या होगा, 58 को हटाया हमने और 85 कर लिया, तो देखो 85 बड़ी वैल्यू होगी यहाँ पर 71 से, तो 61 पहले आएगा, 71 देन 85 मिलेगा आपको, समझ रहे हो आप। अगर हम 58 को 85 ले रहे हैं तो 85 इधर तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू होगी उससे ही उसके बाद लेंगे हम, इससे जो छोटी वैल्यू होगी मीन्स 71 के बाद ही हम इसको पुट कर सकते हैं 85 को। देन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मीडियन बता सकते हो। तो अगर 85 यहाँ आ गया तो इसमें मीडियन क्या होगा हमारा, 5th टर्म होगा, 5th टर्म क्या है 71, इस बार मीडियन कितना हो जाएगा 71, समझ रहे हो 71 क्यों आया। अब करके देख लो आप, 4 टर्म्स इधर है, 4 टर्म्स इधर है, 71 इसका मीडियन आएगा। फॉर्मूला यूज़ कर लो, n+1/2, तो ये होगा इसका मीडियन। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में जो मीडियन आ रहा है वो आ रहा है 61 और सेकंड में आ रहा है 71। चेक कर लेते हैं आंसर सही है नहीं, यस 61 71 करेक्ट आंसर है। तो सिंपल इस टाइप से करना है हमें, जैसे हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, तो मीडियन फाइंड कर लो सिंपल। आप ये वाला ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं अनग्रुप डेटा के लिए, हम अगर अनग्रुप डेटा के लिए इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम करते हैं इसमें कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड वाला ही ले लेते हैं, अगर टेबल टेबल बनाओ, वेजेस है एंड नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो वेजेस को एक्स लेट कर लो, नंबर ऑफ वर्कर्स इनकी फ्रीक्वेंसी एफ लेट कर लो। अगर हम एक्स और एफ लेट करते हैं इनको, देन हमें क्या मिलेगा, देखो एक्स हमारे पास 20 21, इसको चेक कर लेना असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ऑलरेडी अरेंज है या नहीं, नहीं है तो हमें करना होगा, ये पहले से अरेंज है, देखो 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27 एंड ये 28। ओके, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी, एफ एफ में यहाँ पर कितना होगा, 8 10 11 16 20 25 15 9 and 6, ये होगा सिंपल, ये सिंपल होगा इसमें एफ। अब आप क्या करोगे इसमें, इसमें फाइंड करते हैं हम फिर सी एफ। सी एफ फाइंड करने के लिए फर्स्ट वाला 8, फिर इसमें 10 ऐड कर देते हैं तो कितना मिलता है, 10 ऐड करते हैं 18 18 प्लस 11 करते हैं कितना मिलता है, ये मिलेगा आपको 29 29 प्लस 16 करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 9 6 15 1 3 और 4 45। 45 प्लस 20 करते हैं, 45 प्लस 20 करते हैं तो कितना जाएगा 65। 65 प्लस 25 करते हैं तो 80 90 90 प्लस 15 करते हैं तो 105। 105 प्लस 9 करते हैं तो 114 एंड 6 करते हैं इसमें तो 120, ये होगा। अब ये हो गया हमारे पास, तो हम इसमें मीडियन फाइंड करना, तो मीडियन फाइंड करने के लिए वही n/2/2h टर्म ले लेते हैं। वैसे हम डायरेक्ट इसको n/2 से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर कितना होगा 120 प्लस 1/2h टर्म 121। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर 121/2 को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2 6 12, यहाँ पर ये 0 और ये 5, तो 60.5 टर्म। अब 60.5 टर्म कहाँ लाई करेगा हमारा, इनके बिटवीन लाई करेगा। तो देखो 60.5 टर्म अगर आ रहा है तो 60 टर्म और एक 61 टर्म, दो टर्म्स का एवरेज लेंगे हम, तो इसमें जो 60 टर्म्स होगा वो भी हमारा 24 होगा, क्यों, क्योंकि 45 टर्म्स तक ये हैं, 45 के बाद 46 46 47 एंड सोन 65 तक 24 ही होगा रिपीट, समझ रहे हो आप। यहाँ पर 24 प्लस 24, इसका आंसर भी 24 ही होगा, 48/2 24 ही इसका क्या होगा, मीडियन होगा। तो सिंपल कुछ इस टाइप से करते हैं हम इसमें मीडियन फाइंड, देखो कितना सिंपल है, क्योंकि क्लास 8 में भी हमने किया है तो इसलिए आपको ये सिंपल लगेगा। अभी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वही है हमारे, 4th क्वेश्चन सेम एज इट इज़ कर सकते हो आप। ओके, एंड 5th क्वेश्चन, मार्क ओपन बाय 30 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स, इसमें भी आपको मीडियन मार्क्स फाइंड करना है सिंपल, ये एक्स वाली वैल्यू लेट कर लो, लेकिन इसे अरेंज कर लेना पहले यहाँ पर 20 गिवन किया है, फिर 90 है, फिर 50 है, तो इसको जरूर ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर अरेंज नहीं करना है, पहले से अरेंज है, यहाँ अरेंज करना पड़ेगा कि पहले 20 20 के बाद फिर हमें लेना होगा 50,
50 के बाद 70, सॉरी 60, फिर 70, फिर 90, देन 95, एंड देन आप क्या करोगे इसमें फाइंड करोगे इसका मीडियन। सिंपल होगा ये, फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू हो गया या फॉल्स। मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू। तो देखो मीडियन मोस्ट अकरिंग वाली वैल्यू नहीं होती, मोस्ट अकरिंग वाली तो मोड होती है, ठीक है, ये तो हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, यूनिक वैल्यू होती है मीडियन में। द मीडियन ऑफ द डिस्क्रीट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग अ नंबर ऑफ आइटम इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म्स, द डेटा बीइंग अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यस, तो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है अगर ये डेटा हमारा अनग्रुप्ड है। ओके, तो सिंपली ट्रू हो जाएगा। सेवन्थ वाले में, इन स्कूल एग्जामिनेशन इट इज डिसाइडेड दैट एग्जैक्टली हाफ द पीपल विल पास, नेम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज यूज्ड। ठीक है, इसमें कौन सी सेंट्रल सेंट्रल टेंडेंसी यूज होगी ये बता रहा है। अगर हाफ की बात कर रहा है तो मिडिल मीडियन ही यूज होगा इसमें, मीडियन की हेल्प से हम इसको फाइंड कर लेंगे। ऐसे इसमें कह रहा है कि यहाँ पर वही क्वेश्चन है, हो गया हमारा 1 2 3 6 8 इज अ सेट ऑफ द फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स हूज मीन इज 4 एंड मीडियन इज 3, राइट डाउन टू अदर सेट्स ऑफ द फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे ही फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स अदर लिखने हैं आपको, ईच हैविंग द सेम मीन एंड मीडियन एज द एज दिस सेट। देखो आपको ये फाइव ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन क्या है 4 है एंड मीडियन 3 है, आपको अदर फाइव ऑब्जर्वेशन बतानी है जिसका मीन क्या हो 4 हो और मीडियन भी 3 हो। तो कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ पर हम डेटा और अदर फाइव ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो मीडियन 3 चाहिए, मीडियन 3 तो इसके मिडिल में 3 रहना चाहिए, 3 को डिस्टर्ब मत करो। अब 3 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हमें क्या चाहिए, मीन 4 ही होना चाहिए और अदर ऑब्जर्वेशन हो, अदर ऑब्जर्वेशन हो तो आप अगर 3 को चेंज नहीं करना तो आप ये वाली वैल्यू चेंज कर लो भाई, 6 और 8 14 आ रहा है, तो आप यहाँ पर इसको 14 करने के लिए और कोई वैल्यू ले लो, जैसे यहाँ पर 14 करने के लिए आप ले लो 5 और 9 ले लो तब 14 हो जाएगा ये हमारा, और 4 और 10 ले लो तब 14 हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो काफ़ी वैल्यू ले सकते हैं इसमें, काफ़ी अदर ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं जिसका मीन क्या है 4 ही आए और मीडियन 3 ही मिले, मीन्स जैसे हम 1 2 3 यहाँ पर क्या ले रहे हैं 6 और 8 ले रहे हैं, इन सभी का सम डिवाइड बाई 5 करेंगे हम तब आपको मीन मिल रहा होगा इसका कितना 4। देखो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 10 10 20 20 डिवाइड बाय 2 10 10 20 आ रहा है ना, 20 डिवाइड बाय 5, यहाँ पर जिसका मीडियन आ रहा है वो 4 आ रहा है। अभी कह रहा है कि आप अदर ऑब्जर्वेशन बताइए जिसका मीन भी सेम हो और मीडियन भी, यहाँ पर इसका मीडियन 3 आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं 1 2 यहाँ पर 3, लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं 6 और देखो ये कितना है 6 और 8 14, तो यहाँ पर भी 14 रखना है, तो हम क्या ले सकते हैं इसको 4 ले सकते हैं, 4 और 10 ले सकते हैं, तो 1 2 फिर यहाँ पर देखो 3 को हम फिक्स कर रहे हैं क्योंकि मीडियन 3 ही रहेगा इसमें, मीडियन 3 रहेगा, और यहाँ पर हम 5 कर सकते हैं, 5 करेंगे तो यहाँ पर 9 कर सकते हैं, फिर 5 और 9 भी तो कितने होते हैं 14 होते हैं, ये भी हो सकता है ऑब्जर्वेशन हमारा, मीडियन 3 आएगा और आप इसको कैलकुलेट करोगे मीन के लिए तो मीन इसका 4 आ रहा होगा। ओके, तो ये करना है हमें इसमें 8 में। 9th वाले में भी आपको क्या करना है, देखो फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपको क्या गिवन किया है, क्लास इंटरवल गिवन किया है, तो क्लास इंटरवल में कैसे मीडियन फाइंड करते हैं वो देखते हैं, जैसे 10 से 25 25 से 40, और यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव है, ऑलरेडी कंटिन्यूस है तो सिंपल हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हम 10 को देख लेते हैं क्योंकि इसे कंटिन्यूस भी करना है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है एंड देन फाइंड करना है इसका मीडियन। यहाँ पर देखो हमने इसका टेबल ड्रॉ किया, हमारे पास क्लास इंटरवल ये है, इसको एक्सक्लूसिव करने के लिए हम क्या करेंगे 0.5 इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.5 एंड इसमें प्लस करेंगे तो ये होगा 15.5, यहाँ पर करेंगे हम तो ये 15.5 और यहाँ पर ये 20.5, यहाँ पर ये 20.5 एंड यहाँ पर ये 25.5, यहाँ पर ये 25.5 एंड यहाँ पर ये 30.5। ओके, एंड देन 30.5 एंड यहाँ पर ये 35.5, फिर यहाँ पर ये 35.5 एंड ये 40.5, यहाँ पर ये 40.5 एंड यहाँ पर ये 45.5, यहाँ पर 45.5 और यहाँ पर इसमें 0.5 ऐड करेंगे 50.5, ये वैल्यू होगी। और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं हम 7 10 13 26
35, 22, 11 एंड 6, ये होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सी एफ फाइंड कर लेंगे इसका। ओके, इसका सी एफ फाइंड कर लेते हैं, इसमें कितना आता है, सी एफ फाइंड करते हैं इसमें, 7 और 10 17 और ये 13, ये कितना होगा 30, 26 ऐड करेंगे 56, 35 ऐड करेंगे 11, 91 होगा ये, 91 प्लस 22 करेंगे हम कितना होगा 3 एंड 9 और 2 11, 11 ऐड करेंगे कितना होगा 4 एंड ये 2 एंड 1, 124, 124 में ऐड करेंगे 6 तो होगा 130 आ गई वैल्यू। देन आपको कैसे फाइंड करना होता है, देखो इसमें इसमें हमें एन अपॉन टू फाइंड करना होता है कि एन अपॉन टू कहाँ पर लाई करेगा, मीन्स 130 डिवाइड बाई टू कहाँ पर लाई करेगा, ये करेगा 65 पर, तो 65th वाला हमारा इन दोनों के बिटवीन लाई करेगा, तो ये वाली जो रो होगी इसी में हम लोअर लिमिट डिसाइड करेंगे, ये लोअर लिमिट होगी इसकी, ये इसका फ्रिक्वेंसी होगी। ओके, एंड इसमें सी एफ ओ लेना होता है हमें, तो सी एफ इसमें होगा ये, या फिर जिसे सी कहते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं एल प्लस आई अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी, ये करते हैं एल लोअर लिमिट 30.5 प्लस आई की वैल्यू, क्लास साइज कितना है देखना होता है हमें, तो 5 का क्लास साइज है तो यहाँ पर 5, फ्रीक्वेंसी कितनी 35, फ्रीक्वेंसी 35, एन अपॉन टू की वैल्यू 65 एंड सी एफ की वैल्यू 56। ओके, कर लो इसको सोल्व, 30.5 कैंसिल करो, 5 7 जो 35, माइनस करो 4 and 5 9 एंड इसको करोगे आप 30.5 प्लस 9 से इसको डिवाइड करो 7 से, तो 7 1 7 फिर 2 कैरी, 7 2 14 फिर 6 कैरी, 7 8 56 1.28 के नियर बाय आ रही है वैल्यू, तो 30.5 में 1.28 ऐड कर लो कितना होगा, ये होगा 31.78, इसकी वैल्यू होगी वो 31.78 मीडियन हो जाएगी। तो सिंपल ये करना है इसमें में क्वेश्चन नंबर 10th में, 31.78 बोलो 79 बोल सकते हो राउंड ऑफ कर, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 10। तो कुछ इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस हैं जो हमें करना है, तो फिर इसमें जो आगे क्वेश्चन है उसमें भी बस यही करना है हमें, बस इसमें इंटरक्वार्टाइल अपरक्वार्टाइल ये सभी डेसाइल परसेंटाइल ये फाइंड करना है, तो बस इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको करिए आप, अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, करके देखिए, नहीं होते हैं तो कमेंट करके बताइए, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।